खाली मूवीज में देखा करते थे ऐसी ऐसी चीजें, आज देखने को मिल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया, मैं था नोवी साद सिटी में और आपको कुछ जगहें घुमाई, और आज फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस सिटी की, इस प्यारी सी सिटी की जिसका नाम है नोवी साद। गाइस ये ना यहाँ की एक तरीके से माल रोड है, से अपने वहाँ पे होती है ना, मैंने आपको बेलग्रेड में भी दिखाई थी, इसका नाम है दानुवस्का स्ट्रीट, और यहाँ पे चारों तरफ मतलब बढ़िया ऐसे माहौल बना हुआ है। कैफ़े वगैरह हैं, शॉपिंग की जगह है, और जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सही लगता है मुझे यहाँ का ना, ऐसे कलरफुल बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी तरीके की बिल्डिंग है, आप देख ही रहे होगे वीडियो में। तो बस जस्ट यहीं पे वॉक कर रहा हूँ और कुछ खाने पीने की जगह देखता हूँ। जगह ढूंढ रहा था तो काफ़ी फैंसी कैफेज थे, उसकी बजाय मैं पहुंचा एक रेस्टोरेंट में जिसमें जैसे हमारे मैकडी वगैरह होते हैं उसी टाइप का ही है। तो खाने के रेट देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने लिए एक कोक ली, एक चीज़ बर्गर लिया और फ्राइज़ ली, और इसकी जो कॉस्टिंग मुझे आई वो आई लगभग 340 सर्बियन दिनार, वो हो गई इंडियन में लाइक 250 रुपये। ठीक है, मतलब यूरोप के हिसाब से तो ठीक है, सर्बिया एक सस्ती कंट्री है फिर भी, लेकिन इंडिया के मुकाबले लगाए थोड़ा महंगा भी है, लेकिन सही है, लेकिन व्यू अच्छा है और कुछ इस टाइप का एरिया है, कुछ इस टाइप का रेस्टोरेंट है और व्यू तो शानदार है। एक ही मैंने बैग भी लिया, ये मैंने बेलग्रेड से लिया था, बताना कैसा है। नहीं, देख के मुझे बहुत क्यूट सा लगा तो मैं कहा यार ये जरूर लेना चाहिए, तो ये लिया है। लगभग मुझे पड़ा था 1200 दिनार का, मतलब 1000 इंडियन रुपीस का। बड़ा कूल सा लगता है देखो। यार देखो सही का क्या कमाल का माहौल है। खाली मूवीज में देखा करते थे ऐसी ऐसी चीजें, आज देखने को मिल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे मतलब खर्चा कितना पड़ रहा है यूरोप की एक कंट्री में रह के, कैसे मैं बैग पैक कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं सेंट्रल एशिया में था, और यहाँ से वहाँ का क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला खर्चा आता है हमारा एकोमोडेशन का, तो वहाँ पे से थोड़ा सस्ता था, यहाँ पे मतलब ऑन एन एवरेज मैं पे करता हूँ 10 यूरो, 1 यूरो है लगभग 85-86 रुपीज़ के हिसाब से, तो लगभग ऑन एन एवरेज यही खर्चा आता है, कहीं 8 यूरो है, कहीं 10 यूरो है, कहीं पर 12 यूरो है, तो हम 10 यूरो उसको लगा के चलते हैं, हो गए हमारे 850 रुपये। उसके बाद आया हमारा खाने का, तो खाने का ही मैंने अभी आपको दिखाया कि लगभग 3 यूरो की आपको एक मील पड़ती है, तो आप 3 मील भी खाते हो तो वो आपकी होगी 9 यूरो की। और उसके बाद आया हमारा ट्रैवल का, तो ट्रैवल का जैसे भी मैं कल आया था बेलग्रेड से नोवी साद, तो वो लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और पैसे मेरे लगे थे लगभग
600 इंडियन रुपीस, तो 6 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हल्का सा महंगा है, क्योंकि और कंट्रीज़ में लगभग मैं 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भरता था, तो यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। और बाकी वीज़ा फ्री है और इतने कोई खर्चे होते नहीं है, तो नॉर्मली अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो लगभग हम 2000 रुपये में पर डे का खर्चा यहाँ पर चला सकते हैं। सिटी हॉस्टल ये हूँ मैं, और समय आ गया है अब सिटी हॉस्टल और नोवी साद दोनों से विदा लेने का। सवारी निकल पड़ी। तो बेसिकली आज का जो मेरा प्लान है वो है जाने का एक तारा नेशनल पार्क है यहाँ पे सर्बिया में, अराउंड वेस्ट ऑफ सर्बिया में आता है ये, और नोवी साद होता है नॉर्थ में। तो मैं बेलग्रेड होते हुए मुझे आज जाना है मोकरा गोरा नाम का एक गांव है, एक छोटा सा टाउन है, और वो आता है तारा नेशनल पार्क में। तो इस सफ़र को मैंने पूरा करने के लिए एक नया तरीका चूज़ किया। एक्चुअली पहले मैं ज़्यादातर बस यूज़ करता था, और एक और तरीका होता है, शायद आपने इंडिया में भी सुना होगा, इसको हम बोलते हैं ब्लाबला कार। तो यहाँ पे यूरोप में ये ब्लाबला कार बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, और मेरे हॉस्टल वाले ने बताया कि आप ब्लाबला कार यूज़ करके क्यों नहीं चले जाते। तो उसने ऐप पे चेक किया तो मुझे एक राइड मिली, और उसी राइड से ही मैं चलता हुआ मैं आ रहा हूँ इस जगह के लिए, मोकरा गोरा के लिए। और अब मैं आपको राइड दिखाता हूँ, क्या कमाल की गाड़ी मिली है ये इस टाइप की प्रॉपर फैंसी कार है, अल्फा रोमियो। इस टाइप की कार है, एक 28 साल का लड़का है, लोकल सर्बियन लड़का है, और उसके साथ में जा रहा हूँ। पहले 2 लड़कियाँ भी थी, वो लोग अभी रास्ते में उतर गए, और अभी हम ऑलमोस्ट मिडवे में पहुँच गए हैं, और एक फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं, पीछे काइंड ऑफ फ्यूल स्टेशन है। तो भाई को वॉशरूम जाना था, और मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो बाकी अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे तारा नेशनल पार्क, और आगे क्या होता है दिखाता हूँ। क्योंकि बात चल रही है खर्चे की कि हमारे यूरोप में खर्चा कितना आता है, तो हम इस चीज़ को, ये जो ब्लाबला कार वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको और इसके बारे में बताता हूँ। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है यूरोप में ट्रैवल करने के लिए, और भी काफ़ी जगह पर चीज़ चलती है। तो बेसिकली ब्लाबला कार है क्या, तो ये एक एप्लीकेशन है। तो सपोज़ करो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से चंडीगढ़, मैं अपने किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे पास मेरी प्राइवेट गाड़ी है, और मुझे ये है कि चलो मेरा कोई तेल पानी का खर्चा निकल जाए, और मतलब मेरा अपनी जेब से मुझे कुछ पे ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ब्लाबला ऐप पे डाल दूँगा कि मैं इस डेट को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हूँ, और मेरे को चाहिए कि 2-3 लोगों को मैं अपने साथ और लेके जा सकता हूँ। तो मैं ऐसे करके अपनी राइड डाल दूँगा। बेसिकली एक तरीके का कार पूल सिस्टम है, तो और पूरा ही वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी यूज़ होता है ये। तो अगर जैसे आपने किसी ने जाना हो तो आप मेरे को पिंग करोगे कि ओके कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं उसमें मैं अपना रेट भी डालूंगा कि मैं इतने पैसे चाहता हूँ अगर आप मेरे साथ यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हो। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। तो ऐसी ही कोई एक राइड मुझे मिल गई थी आज, एक ही राइड आ रही थी नोवी साद से लेके जलाती बोर के लिए, और वो राइड मुझे मिल गई, और मैंने इसके लिए पे किया लगभग 1200 दिनार, जो हुए लगभग आपके 800 रुपये के आसपास, इंडियन 800 रुपये के आसपास हुए, 800 या 900 रुपये के आसपास हुए। तो सस्ते में पड़ गया, और मैंने डिस्टेंस कवर किया लगभग 350 किलोमीटर का, 325 किलोमीटर के आसपास का, तो बहुत सही पड़ा। क्योंकि पहले बस के हिसाब से बस में मैंने अराउंड 600 रुपये पे किए थे खाली 100 किलोमीटर के लिए, और यहाँ 300 किलोमीटर के लिए मैंने पे किया सिर्फ 800 रुपये। तो बहुत सस्ते में हो गया, और एक बढ़िया गाड़ी में राइड मिली, और टाइम बहुत कम लगा। मतलब नॉर्मली अगर मैं बस से आता तो मेरे को लगभग 8 या 9 घंटे लगते, और अभी मेरे को सिर्फ 3.5 या 4 घंटे में मैं पहुंच गया जलाती बोर। लेकिन जल्दी पहुंचने का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हुआ। एक्चुअली प्लान तो ये था कि मैं थोड़ा पहले पहुंचूंगा, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचूंगा, मतलब 12 बजे के बाद, ताकि मैं अपने जहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ वहाँ पे मैं चेक इन कर सकूँ। लेकिन उस गाड़ी वाले भाई ने, रोड भी इतनी अच्छी थी कि मेरे को इतनी जल्दी पहुँचा दिया। लगभग अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है, 9:30 AM, और मैं पहुँच चुका हूँ जलाती बोर में।
तो मैंने अपने होस्ट से बात की जिसके यहाँ पे मैंने अपना एकोमोडेशन बुक किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे विलाज होते हैं, यहाँ पे होस्टल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, आपको यहाँ पे विला मिलते हैं क्योंकि यहाँ आसपास स्की रिजॉर्ट हैं और काफ़ी माउंटेन का एरिया है, तो यहाँ पे विलाज होते हैं, विला में आपको प्राइवेट अपार्टमेंट मिलते हैं। तो मैंने भी कुछ उसी टाइप का एक बुक किया था, और तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने उनको टेक्स्ट किया booking.com के थ्रू कि भाई क्या मैं जल्दी चेक इन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑलरेडी वहाँ पर गेस्ट स्टे कर रहे हैं, आप जल्दी चेक इन नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 12 बजे तक वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं पहुँचा हूँ, ये पीछे जलातीपुर का सिटी सेंटर है, एक लेक है और इसके अराउंड ऐसे पूरी मार्केट बनी हुई है प्रॉपर, जैसे हर यूरोप की सिटी में है जितनी मैंने आपको दिखाई भी है। तो अभी फिर मैंने कहा और कोई चारा तो है नहीं कि यहीं बैठ के वेट करता हूँ, और 12 बजने का वेट करता हूँ, यहाँ से आधे घंटे का वॉक है और 11:30 बजे अराउंड मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे ऐसे बेंच मिला था, यहाँ पे मैंने अपने बैग्स रख दिए और अभी देख रहा हूँ कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन बैग उठा के घूमना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, लगेज काफ़ी भारी है। और तो देखता हूँ अभी यहाँ से कुछ खाना वाना खाता हूँ और 11:30 बजे यहाँ से निकलूँगा उस विला के लिए। बहुत शानदार विला है, विला भी आपको दिखाऊँगा, क्या कोस्टिंग उसकी आ रही है वो भी आपको बताऊँगा, बस थोड़ा सा एक टाइम है इसको निकालता हूँ कैसे ना कैसे करके। भाई चल चल के हालत ख़राब हो गई है, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चल लिया हूँ और सब इसी टाइप के ही चल रहे हैं। देखो पीछे ये अपार्टमेंट हो गया, ये आपको और ये बिल्डिंग दिख रही हैं। तो यहाँ सारे ये सारे विला होते हैं, विला के अंदर अपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसी एक अपार्टमेंट ने बुक किया हुआ है, लेकिन यहाँ सामान उठा के चलना, ऊपर से पहाड़ी एरिया है सारा ना, चढ़ाई का रास्ता है, ये पीछे भी देख सकते हो। अब जाके थोड़ी सी उतराई आई है, ढलान आई है और 300-400 मीटर और है, पहुँचता हूँ और देखता हूँ। सामान उठा के मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, देखते हैं, करना तो है ही। ये देखो सारे कुछ इस टाइप के विलाज ही हैं सारे, और मेरा भी पास में ही दिखा रहा है, 120 मीटर के आसपास रह गया, इनमें से ही कोई होना चाहिए, बट लोकेशन बहुत कमाल की लग रही है यार, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे प्यारे प्यारे घर, लेकिन बारिश फिर हो रही है यार, मेरी जान खाने को। पहुंचता हूँ, तो ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपको येलो कलर की, ये वाली, ये है अपना विला, नाम पता नहीं क्या है, मैं नीचे डाल दूंगा, भूल जाता हूँ नाम भी इसका, बहुत मुश्किल टेढ़ा सा नाम है। वैसे इसकी मेन एंट्रेंस पीछे से है, लेकिन मैंने ये एक शॉर्टकट सा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे मैं इनके गार्डन में होता हुआ अपने रूम में पहुंच जाता हूँ। दिखाता हूँ, तो गाइस ये है अभी के लिए मेरा विला, अभी जरा अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर से भी क्या माहौल है। तो गाइस अब मैं आपको देता हूँ इस विला का, में जो मेरा अपार्टमेंट है उसका टूर। तो यहाँ ये मेरा सेकंड फ्लोर पे मेरा है और इसमें दो बने हुए हैं, दो अपार्टमेंट हैं इस फ्लोर पे, तो एक मेरा होगा, एक सामने किसी और के पास होगा। तो बेसिकली इस टाइप का है, यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है, टेबल है और विंडो है, और इधर खाली एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे टीवी लगा रखा है Sun 72 का, और वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, वॉशरूम है कुछ इस टाइप का। कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी है ये, अब प्राइवेट रूम मिल गया एक तरीके से, प्राइवेट रूम ही है और अटैच वॉशरूम है इसके साथ में, और खुला एरिया है, और बाकी यहाँ पे एक खिड़की भी है थोड़ा व्यू लेने के लिए, जिससे बाहर का कुछ इस टाइप का कुछ और विला दिखाई देते हैं। बाकी इसके अंदर ना, यहाँ क्योंकि ठंडा एरिया रहता है ज़्यादा, तो यहाँ पे इस टाइप के देखो ये हीटर्स भी लगे रहते हैं, इसमें से अभी भी हल्की हल्की हीटिंग हवा आ रही होगी, तो ये अपना ये सेट करके रखते हैं और कि रूम टेम्परेचर क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप हीट छोड़ता रहता है। तो बाकी इसकी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया, लगभग इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 14 यूरोज, जो इंडियन में हुए लगभग 1200 रुपये। तो भाई यूरोप में आपको सर्बिया में एक प्राइवेट रूम मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम के साथ और 1200 रुपये के आसपास, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। बट अगर हाँ, जैसा इन्होंने दिखाया हुआ था फोटोज़ में कि भाई आपको किचन भी मिलेगा साथ में, तो अगर किचन भी होता तो और अच्छी बात हो जाती,
कुछ खाना वाना बना सकता था, चाय वाय बना सकते थे थोड़ा बहुत, और फ़ायदा हो जाता। तो अभी के लिए ये है, लेकिन जितना है उतने में संतुष्ट रहना हमें तो आता है, एटलीस्ट मुझे तो आता है।